वैसे तो ठगी के कई किस्से आपने अब तक सुने और देखे होंगे, लेकिन विदेशी नोटों को बदलने के मामले में ठगी का किस्सा आपने अभी तक नहीं सुना होगा। ठगों ने मलेशिया के नोटों को बदलने का हवाला देकर बदले में कागजों की गड्डियां ही थमा डाली, जिसके बाद पीड़ित ने सुपेला थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पूरा मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां भिलाई 3 के रहने वाले एक शख्स ने मलेशिया की करेंसी बदलने के नाम पर 3,50,000 की ठगी कर ली। ठग राजू जैन की दुकान पर सामान लेने पहुंचे, जिसके बाद दुकानदार राजू जैन को ठगों ने 50,000 का मलेशियाई नोट दिया। फिर साथ ही ठगों ने पीड़ित राजू जैन को बताया कि उनके पास 3,50,000 के मलेशियाई नोट हैं, जिसे हिंदुस्तानी नोटों में तब्दील करना है। यदि नोट बदला कर दिए जाएंगे तो इसके बदले राजू जैन को कमीशन भी दिया जाएगा। कमीशन के लालच में आकर प्रार्थी राजू जैन ने 3,50,000 रुपए नगद दे दिए और मलेशियाई नोटों से भरा हुआ बैग ले लिया। जब वह घर पहुंचा तो राजू जैन ने बैग खोला तो हैरान रह गया। बैग में नोट की जगह कागज की गड्डियां भरी हुई थी, जिसके बाद लोगों से संपर्क करने पर उनका मोबाइल बंद बताया गया। राजू जैन ने तत्काल सुपेला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल सुपेला पुलिस ने अब्दुल रऊफ खान सैफुल व आकाश मलिक के खिलाफ धारा 420-34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है, तो वहीं दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। बचे हुए बाकी दो आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक व्यक्ति के पास मलेशियाई के इतने नोट कैसे आए, ये भी सवालिया निशान लगा हुआ है। और आरोपी विदेश करेंसी लेकर कहां घूम रहा था, इस पर भी सघन पूछताछ जारी है। सुपेला थाना का मामला है, जहाँ पर बीते दिनों तीन व्यक्ति जो कि अपने आप को नोट एक्सचेंज करने को लेकर प्रार्थी विजय जैन के पास आए थे। विजय जैन की एक कपड़े की शॉप है, इन्होंने 3.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी लेकर मलेशियन करेंसी देने की बात कही। जब विजय जैन ने उन करेंसी को देखा तो कुछ करेंसी सही निकले, कुछ मलेशियन करेंसी पूरी तरह फेंक निकले। जब उनको लगा कि उनके साथ 3.5 लाख रुपए की मनी एक्सचेंज करने के दौरान ठगी हो चुकी है, उस पर से वो सुपेला थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराए। सुपेला थाना ने भी तत्काल इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इनका काम इसी प्रकार का मनी एक्सचेंज में ठगी करना है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं संबंधित जगह से जहाँ के रहने वाले हैं, और आगे कार्रवाई भी वैधानिक कार्य पुलिस द्वारा की जा रही है। देखिए, अभी जो प्रार्थी है, प्रार्थी के कथानुसार जो चीज़ें सामने आई हैं फुटेज वगैरह देखने पर, अभी तीन ही लोग मिले हैं। ये पता इनके द्वारा चौथा व्यक्ति की बात कही जा रही है, वो भी तस्दीक के बाद आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।